नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिवीजन वाइज वैकेंसीज हैं जो कि SSC CHSL 2020 के एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, उसके बारे में जानकारी दूंगा। SSC CHSL 2020 का टाइपिंग टेस्ट आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में 1 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था और अभी हुए उसे 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि इसी महीने जो है CHSL का रिजल्ट भी आ जाएगा और साथ ही में डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट्स भी आ जाएगी, जिसमें आपको अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करके देना होगा। सो जिन भी कैंडिडेट्स का की जो है प्रायोरिटी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट है, तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स रहते हैं वो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट इसलिए सिलेक्ट करते हैं ताकि उन्हें अपने होम डिस्ट्रिक्ट या होम लोकेशन में ही घर के पास उन्हें पोस्टिंग मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें मालूम चल जाएगा कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं और अगर नहीं है तो कौन से पास वाले डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, तो अंत तक देखिएगा इसे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये मेरे नीचे कुछ राज्य लिखे हुए हैं, इन सब की RTI के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा इस वीडियो में, जो कि है दिल्ली, MP, UP, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है बिहार के लिए जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो है औरंगाबाद के बारे में दे रखा है कितनी वैकेंसी है यहाँ पे, और भोजपुर और भागलपुर, गया, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना साहिब। सो इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी सामने दिख रही होगी। और ये जो फर्स्ट कॉलम है उसमें UR की वैकेंसीज दे रखी हैं, और सेकंड कॉलम में EWS, थर्ड में OBC, फोर्थ में SC एंड फिफ्थ में जो है ST के लिए वैकेंसीज यहाँ पे आपको दे रखेंगी। तो आप यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज चेक कर लीजिए। यहाँ पे जो है पटना में UR के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है, लेकिन एक ST के लिए वैकेंसी है। फिर पटना साहिब में तो कोई वैकेंसी नहीं है। फिर पटना GPO में जो है एक UR के लिए वैकेंसी है और एक ST में वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे। फिर और यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है इस साल बिहार में। फिर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है वो मैं समस्तीपुर की देख पा रहा हूँ। यहाँ पे 2 वैकेंसीज UR के लिए है, फिर एक जो है OBC के EWS के लिए, एक OBC के लिए ही है, फिर SC के लिए 2 है और ST के लिए 1 है। और यहाँ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले भी अपने यहाँ पे सीट्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे टोटल 28 वैकेंसीज इन लोगों ने नोट कर रखी है UR के लिए, और टोटल जो है ग्रैंड टोटल वो 73 वैकेंसीज है। फिर उसके नीचे यहाँ पे PTDN करके है, तो PTDN का मतलब पटना डिवीज़न हो सकता है, या आप लोग इसको इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा कि ये PTDN का ऑफिस कहाँ पड़ेगा, फिर CDN का ऑफिस कहाँ पे पड़ेगा। तो ये लोग ये सब जानकारी आप वहीं के किसी पोस्ट ऑफिस से, अपने पास के किसी पोस्ट ऑफिस से, या तो अपने पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट से भी आप पता कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे CORO जो कि मोस्ट सॉर्ट वैकेंसी रहती है, मोस्ट सॉर्ट जॉब रहती है PASA के लिए, यहाँ पे 4 वैकेंसीज UR के लिए, 1 EWS के लिए, 3 जो है OBC के लिए, फिर SCs एंड ST के लिए वैकेंसीज नहीं है, और टोटल जो है 8 वैकेंसीज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये था यहाँ पे बिहार के बारे में, बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में, जो कि SSC CHSL 2020 के थ्रू फिल की जाएंगी। अब चलिए अगले पेज पर चलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अगली जो RTI है वो मुझे छत्तीसगढ़ सर्कल रायपुर से मिली है, मतलब ये छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। सो ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज जो है 53 थी, 27 UR के लिए, देन SC के लिए 5 वैकेंसीज एंड ST के लिए 10 वैकेंसीज, OBCs के लिए 4 एंड EWS के लिए 7 वैकेंसीज यहाँ पे दर्ज है। यहाँ से आप लोग अपना जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी वैकेंसीज चेक कर लीजिएगा। RMSRP का मतलब है जो रेलवे स्टेशन, रायपुर रेलवे स्टेशन पे जो पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ऑफिस रहेगा, उसे RMSRP कहते हैं। तो ये आपको रायपुर रेलवे स्टेशन पे मिलेगा। जितने भी ऑफिसेज के सामने RMS लिखा है, यानी कि वो स्टेशन पे रहेंगे, रेलवे स्टेशन पे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो ये अभी मेरे सामने दिल्ली की वैकेंसीज की, दिल्ली में जो है कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि सेंट्रल दिल्ली में जो है इतनी वैकेंसीज है, यहाँ तो कोई नोट की नहीं गई है सेंट्रल दिल्ली में। फिर वेस्ट दिल्ली में जो है 12 वैकेंसीज है, देन साउथ दिल्ली डिवीज़न में है आपकी 27 वैकेंसीज, फिर नॉर्थ दिल्ली में 26 और न्यू दिल्ली साउथ वेस्ट में है 21 वैकेंसीज। फिर यहाँ से आप फॉरेन पोस्ट की भी वैकेंसीज देख लीजिएगा, और सर्कल ऑफिसर्स, देन MMS, CSD एंड PSD, इन सब की वैकेंसीज आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपके घर के पास में रहे आप वहाँ पे जो है उस ऑफिस की जो है पोस्ट प्रेफरेंस में आप फिल कर दीजिए। अब गाइज़, आप लोग देख पा रहे होंगे अगली RTI का रिप्लाई मुझे ये गुजरात सर्कल खानपुर अहमदाबाद से मिला है। सो यहाँ पे आपको गुजरात की वैकेंसीज बताई गई होंगी, तो चलिए देखते हैं। और ये रही गुजरात में डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज, अहमदाबाद की आप देख लीजिए, अहमदाबाद GPO की, फिर गांधीनगर, फिर ऐसी जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप यहाँ पे उसकी अपनी वैकेंसीज चेक कर लीजिएगा।
और यहाँ पे आप जो है सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस की भी वैकेंसीज देख लीजिएगा, और ये भी पता कर लीजिएगा कि आपके स्टेट का जो सर्कल ऑफिस है और रीजनल ऑफिस है वो किस किस शहर में पड़ते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस रहते हैं और जो सर्कल ऑफिसेस और रीजनल ऑफिसेस रहते हैं वहाँ पे वर्क जो है काफ़ी डिफरेंट रहते हैं। सर्कल ऑफिसेस में 5 डेज़ की आपको वर्किंग मिलती है, जबकि जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस रहते हैं वहाँ पे आपको 6 दिन काम करना पड़ता है हफ्ते के। सो ऐसी बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं यहाँ पे सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के। सो अगर आपके घर के पास में कोई सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस तो आप प्रेफरेंस उसे ही दीजिएगा। अब चलिए अगले अगली RTI देखते हैं। तो अगली RTI जो है ये मुझे जयपुर मिली है, इसका मतलब जो है अब हमें राजस्थान की वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो मैंने राजस्थान के लिए जो RTI का रिप्लाई मांगा था उसके लिए इन्होंने मुझे 2 रुपये जो है मांगे मुझसे कि ताकि हम आपको दे पाएँ, और एक पेज में आएगी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ये लिखा है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसका जो है पेमेंट वो कर दूंगा एडिशनल फ़ीस जो होगी, और जैसे ही इंटीमेशन मिलेगा मुझे जयपुर ऑफिस से पोस्ट ऑफिस के तो मैं तुरंत ही वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे जयपुर राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज अवेलेबल नहीं। अब अगला रिप्लाई मुझे मिला है यूपी के सर्कल ऑफिस जो लखनऊ में है, तो यहाँ पे बहुत ही इनने रबिश सा आंसर दिया है। इनने बोला है कि टेंटेटिवली 233 वैकेंसीज ऑफ PASA आर टू बी फिल थ्रू CHSL 2020 इन यूपी सर्कल, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हाउ एवर इज़ नॉट अवेलेबल विद द CPIO। तो ये तो कह रहे हैं हमारे पास जानकारी नहीं है। तो अब इस रिप्लाई के लिए जो है मैंने फर्स्ट अपील इसी जब मुझे रिप्लाई मिला था उसी के अगले दिन मैंने अपील कर दी थी कि ये आपने कैसा जवाब दिया, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज़ की जानकारी आपके पास नहीं होगी तो आप पोस्टिंग कहाँ कहाँ देंगे, सभी को तो कैपिटल में नहीं मिलेगी पोस्टिंग। सो अब ये इनका मुझे समझ नहीं आया, और जो भी फर्स्ट अपील का मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगा। अब बाकी के स्टेट्स का कहें तो गाइस यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की मैंने आपको वैकेंसीज़ नहीं बताई है, क्योंकि जो है इनने इन्फॉर्मेशन डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया है। मैंने 12 अगस्त को लगाई थी RTI और मुझे 30 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला है, तो अब यहाँ पे भी मुझे फ़र्स्ट अपील करनी पड़ेगी इन 3 ऑफिसेज़ को लेकर, क्योंकि अब बाकी अभी मैंने आपको गुजरात का बताया था तो इनकी जो है रिक्वेस्ट इनने डिस्पोज ऑफ कर दी थी, और दूसरे ऑफिस जैसे कि UP ने भी चलो कम से कम जवाब तो दिया बट इन 3 ऑफिसेज़ ने मुझे जवाब ही नहीं दिया। और MP के लिए तो मैंने जो है 6 या 8 रुपये एडिशनल पेमेंट भी दिया था ताकि इन्फॉर्मेशन मिले। तो यही था अपडेट गाइस इस वीडियो में, और आगे जो भी अपडेट मिलेगी मैं तुरंत वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खासकर CHSL 2020 और 2021 के एस्पिरेंट्स, उनके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोस आने वाली आगे, मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और रिज़ल्ट की अगर बात करें CHSL 2020 के रिज़ल्ट की, तो बहुत हाईली एक्सपेक्टेड है कि इसी महीने जो है SSC CHSL 2020 का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट दे दे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट अनाउंस कर दे, ताकि जो है ये रिक्रूटमेंट जल्द से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। हालांकि अभी SSC में फिर से एक डीले वाली कोई चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि CGL का जो नोटिफिकेशन 10 तारीख को आना था वो अभी तक नहीं आया है, जब तक वीडियो अपलोड हो शायद तक तब आ जाए, लेकिन तब भी 2 दिन डिले ही होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस महीने SSC CHS SSC जो है रिज़ल्ट दे दे टाइपिंग टेस्ट का 2020 के, और अगर इस महीने नहीं दिया देन अगले महीने तो 101% रिजल्ट आ ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।